आइए अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज द कंपटीशन। डार्विन ने माना था कि जो इवोल्यूशन है, इसको उसने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का नाम दिया। तो उन्होंने कहा इवोल्यूशन के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले सिद्धांत काम करेंगे। और उन्होंने ये माना था कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, यानी दो स्पीशीज़ के बीच में जो कंपटीशन है, ये इसको चलाने के लिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को कराने के लिए एक पोटेंट फोर्स है, यानी इसकी वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा। जो कंप्लीट करेगा स्ट्रगल करने के लिए, जो फिट होगा, जो कंपटीशन को फेस कर पाएगा, उसी के जीन्स आगे बढ़ेंगे और इवोल्यूशन होगा। ऐसा माना जाता है, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन ऑकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स दैट आर लिमिटिंग। ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन तब होता है जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, सपोज स्पीशीज सी भी है सपोज, तो अगर हम कहें कि ए और बी जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और ये दोनों कंपीट करें ऐसी रिसोर्स के लिए जो कि लिमिटेड है, तब जा कर के कंपटीशन जो है सही मायनों में होगा। बट ऐसा पूरी तरह सच नहीं है, है ना? ये पूरी तरह सच नहीं है कि कोई रिसोर्स जो है वो कम होनी चाहिए और दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज उसके लिए कंपटीशन करेंगी आपस में, ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। पहले फर्स्ट वाला पॉइंट, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपस में कंपटीशन कर सकती हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि ए बी और सी तीन स्पीशीज़ हैं, ए और बी क्लोजली रिलेटेड हैं और उनकी जो रिसोर्स है वो लिमिटिंग है, तो ये आपस में कंपटीशन शुरू कर देंगी। ऐसा हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि जो अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं दे कैन ऑल्सो कम्पीट विथ ईच अदर फॉर द सेम रिसोर्स। यानी ए और सी भी आपस में कंपटीशन शो कर सकती हैं सेम उसी रिसोर्स के लिए। फॉर इंस्टेंस, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज कंपीट फॉर द सेम फूड दैट इज ज़ू प्लैंकटन इन द लेक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर साउथ अमेरिका की उथली, उथली का मतलब शैलो, जहाँ पानी कम होता है लेक्स में, वहाँ पर विजिट करने वाले फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगो जो होती हैं बर्ड होती हैं सारस के जैसी दिखने वाली, और वहाँ की जो मछलियाँ हैं लेक की, दोनों में कंपटीशन चालू हो जाता है। अगर फ्लेमिंगो आ जाते हैं वहाँ पर कहीं बाहर से, तो वहाँ फ्लेमिंगो और रेजिडेंट फिशेस में कंपटीशन चालू हो जाता है किसके लिए, ज़ू प्लैंकटन्स के लिए जो कि लेक के सरफेस पर रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ज़ू प्लैंकटन्स को खाते हैं। तो यहाँ पर क्या फ्लेमिंगो और रेजिडेंट फिश क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं? आंसर है नो, बिकॉज फ्लेमिंगो तो विजिटर है, वो तो फ्रीक्वेंट नहीं है वहाँ, मतलब रोज़ नहीं रहते, वो तो कभी कभार ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं कंपटीशन करा देते हैं अपने जो रेसिडेंट फिशेज हैं उनके साथ कंपटीशन करने लगते हैं। तो पहली बात हम समझ गए कि ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में ही होगा, ये अनरिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है अगर वो एक रिसोर्स के लिए कम्पीट करना स्टार्ट कर दें। तो दूसरा केस देखते हैं, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन। तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कंपटीशन के लिए कि रिसोर्सेज लिमिटिंग होगी तभी कंपटीशन होगा और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कम्पीट करेंगी आपस में। तो हमने क्लोजली रिलेटेड के लिए तो हमने क्रॉस करा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अनरिलेटेड भी आपस में कंपटीशन कर सकती हैं। तो ये चीज़ तो हमारे समझ में आ गई। दूसरी वाली चीज़ क्या है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है
के रिसोर्सेज लिमिटिंग होगी तो ही कंपटीशन होगा, रिसोर्सेज भरपूर होने पर भी कंपटीशन हो सकता है। सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इन इंटरफेरेंस कंपटीशन The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of other species, even if the resources are abundant. तो चाहे resources खूब हों, ऐसा भी देखा जाता है कि एक species है suppose A, एक है B, एक है C. हम इनके बारे में तो चलो देख चुके हैं, एक species आ गई है D. ठीक है ना। अब ए और डी सेम रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ए और डी सेम रिसोर्स का यूज़ करते हैं और रिसोर्स खूब एबंडेंट है, कोई कमी नहीं है रिसोर्स की, फिर भी हम देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? रिसोर्स तो खूब थी, उसके बाद कंपटीशन क्यों हुआ? तो कंपटीशन होने के पीछे रीजन है ए के प्रेजेंस में डी को दिक्कतें होने लगती हैं, ए इंटरफेयर करता है डी के साथ, तो इस वजह से ए के इंटरफेरेंस के कारण डी को प्रॉब्लम है। तो अब आप समझ गए, रिसोर्सेज चाहे एबंडेंट हों, इवन इफ द रिसोर्सेज आर एबंडेंट, इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से और प्रेजेंस के होने की वजह से ही केवल बी जो है डिस्करेज होता है और ए को फ़ायदा मिलता है। सो डी के नंबर कम हो जाएंगे आने वाले फ्यूचर में और ए के नंबर बढ़ेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। देयरफॉर कंपटीशन की अब डेफिनेशन क्या आती है? इट इज़ बेस्ट डिफाइंड as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. तो ये एक वो process है जिसमें एक species की fitness, और fitness किस term में है? intrinsic rate of natural increase के terms में है। तो fitness इतनी कम हो जाती है दूसरे species के आते ही कि उसको सर्वाइव करने में दिक्कतें हो सकती हैं आने वाले भविष्य में। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे स्पीशीज़ के आने से दिक्कतें पैदा हो जाना ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटिंग हो, और ज़रूरी नहीं है वो स्पीशीज़ रिलेटेड हो, अनरिलेटेड भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें अभी हमने समझ ली, आगे बढ़ते हैं। It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiments, as Gauss एक वैज्ञानिक थे and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. तो Gauss ने शो किया और दूसरे ecologists ने शो किया लेबोरेटरी में, कि लेबोरेटरी में शो किया है, ख़ास बात ये ध्यान रखनी है हमको कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो जो सुपीरियर स्पीशीज़ है वो इन्फीरियर को हरा देगी और उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। पर इस प्रकार के कम्पिटिटिव एक्सक्लूज़न नेचर में ठोस सबूत नहीं देते, आर नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। नेचर में इस प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है वो ठोस सबूत नहीं देते हमको। कई ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिले हैं जो हमें दूसरे तरफ सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे एबिंगडन टॉर्टोइस जो कि गैलापागोस आइलैंड पर रहा करता था,
एबिंगडन टॉर्टोइज इज अ टाइप ऑफ टॉर्टोइज, ओके, गैलापागोस आइलैंड पर रहा करता था। वो एक्सटिंक्ट हो गया विद इन 10 ईयर्स ऑफ, कब, जब गोट्स को लाया गया उस गैलापागोस आइलैंड पर। यानी गैलापागोस आइलैंड पर पहले कौन रहा करता था? एबिंगडन टॉर्टोइज रहा करता था और अच्छे से रहते थे बहुत सारे टॉर्टोइज। लेकिन अब इस आइलैंड पर कौन आ गई? गोट, मानव लेके आया इसको। और गोट्स के आने के कारण ये एबिंगडन टॉर्टोइज 10 साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज जो गोट थी उसकी ब्राउजिंग इफिशियंसी बहुत अच्छी थी। ब्राउजिंग इफिशियंसी मतलब घास चरने की एबिलिटी। तो और किसी भी एरिया के अंदर फैल जाने की एबिलिटी। तो धीरे धीरे उसने पूरे एरिया पर ग्रेज करना और ब्राउज करना स्टार्ट किया और जो फूड की अवेलेबिलिटी है एबिंगडन टॉर्टोइज के लिए वो कम हो गई एंड ग्रेजुअली वो 10 साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गया। अगला एविडेंस है कंपटीशन के लिए, अगला एविडेंस है जो नेचर में है वो है कंपिटिटिव रिलीज का। एक स्पीशीज, ए स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इज फाउंड टू एक्सपेंड दिस डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। तो मान लीजिए एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पर एक कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज रहती है और एक एरिया है जहाँ पर इन्फीरियर स्पीशीज रहती है। तो इसमें हम कॉर्नेल के एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे। कॉर्नेल ने बेलेनस और चैथामेलस नाम के आर्थ्रोपोड्स पर एक्सपेरिमेंट किया और ये रॉकी इंटरटाइडल जोन में रहते हैं, यानी आप समझ लें जैसे ये सी है यहाँ पर और इंटरटाइडल जोन समवेयर एग्जिस्ट्स हियर यहाँ पर, जहाँ पर टाइड आते रहते हैं। जब हाई टाइड होगा तो ऊपर की तरफ पानी आएगा और जब लो टाइड होगा तो वाटर का लेवल नीचे होगा। तो बैलेनस कहाँ रहा करता था? बैलेनस जो है पूरा का पूरा इंटरटाइडल जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन और लोअर वाला जोन, इसमें फैला हुआ था। कारण ये था कि बैलेनस कैसा था? सुपीरियर था। बैलेनस एक आर्थ्रोपोड होता है जो कि सिसाइल होता है, यानी सरफेस के साथ अटैच होकर के रहता है। तो ये आर्थ्रोपोड जो थे इंटरटाइडल जोन में और लोअर जोन में काफ़ी थे, लेकिन जो हाई टाइड वाला जोन था यहाँ पर चैथामेलस था और वो रहा करता था इसलिए बिकॉज वो कंपिटिटिवली इन्फीरियर था। तो चैथामेलस और बैलेनस, बैलेनस वॉज सुपीरियर एंड चैथामेलस वॉज इन्फीरियर। तो अगर बैलेनस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर बैलेनस को रिमूव कर दिया जाएगा तो चैथामेलस का जो एरिया है, जो पहले केवल ये वाला जोन था, अब वो पूरा का पूरा हो जाएगा अगर आपने बैलेनस को रिमूव कर दिया। तो ये क्या है? ये कॉम्पिटिटिव रिलीज है। इसका मतलब ये है कि अगर एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बारनेकल को हटाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल था बैलेनस, तो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्मॉलर बारनेकल जो कि चैथामेलस है वो उस पूरे एरिया में फैल जाता है आसानी से। तो ये एक एग्जाम्पल हम कॉम्पिटिशन का ले सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल जो कि हमें कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में समझाता है। हाँ।
अब आगे देखते हैं अबाउट द गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, सपोज ए एंड बी, अगर वो एक सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही हैं, है ना, दे आर कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, वो लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह पाएंगी। और जो कम्पिटिटिवली इन्फीरियर है, जैसे कि बी है, सपोज ए सुपीरियर है और बी कैसी है, इन्फीरियर, तो जो कम्पिटिटिवली इन्फीरियर है वो हमेशा के लिए उस एरिया से एलिमिनेट हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, दिस मे बी ट्रू इफ़ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, ऐसा हो सकता है जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो, पर अगर लिमिटिंग नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। जो रिसेंट स्टडीज़ चल रही हैं वो इस तरीके की बातों को नहीं मान रही। ऐसा नहीं है कि वो मना कर रही हैं कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होता, दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है। बट जो स्पीशीज़ कंपटीशन को फेस कर रही हैं वो ऐसे तरीके खोजती हैं जिससे कि वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ को एग्जिस्ट कर पाए, इसके बजाय कि वो पूरी तरीके से एक्सक्लूड हो जाए। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ये कहता है कि एक्सक्लूजन होता है, लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि एक्सक्लूजन के चांसेस भी हैं लेकिन को एग्जिस्टेंस के चांसेस भी हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो कि को एग्जिस्टेंस में हेल्प करता है, को एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है। अगर दो स्पीशीज़ हैं जो कम्पीट कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए, है ना, जैसे हम एग्जाम्पल लिया था हमने ए और बी का, और रिसोर्स ये रही, सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन है दोनों का, और ए सुपीरियर है और बी इन्फीरियर है, ठीक है ना, इन्फीरियर। ऐसे केस में क्या होगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग अपना हो सकती है। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, मतलब ये है कि कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये जो बी है जो कि इन्फीरियर है, ये इस रिसोर्स को इस्तेमाल करना हो सकता है छोड़ दे, या जब ए इस रिसोर्स को यूज़ कर रहा हो उस वक्त उसको यूज़ ना करे, अपना टाइम चेंज कर दे, किसी दूसरे वक्त पर उस रिसोर्स को वो अप्रोच करे। तो दोनों एक साथ उस रिसोर्स की तरफ नहीं जाएंगे, जब सुपीरियर स्पीशीज़ वहाँ प्रेजेंट है रिसोर्स के पास तो इन्फीरियर अपना उससे दूर रहेगी। या ये भी हो सकता है कि किसी और रिसोर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो मान लो अगर बी ने अपना फोरेजिंग टाइम मतलब रिसोर्स को यूटिलाइज करने का समय, वो चेंज कर दिया, या उसने किसी और रिसोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो क्या बी एग्जिस्ट कर पाएगी? तो हाँ, बी एग्जिस्ट कर पाएगी, और इसको बोलेंगे को एग्जिस्टेंस। अब वो ए के साथ रह पाएगी बिकॉज कंपटीशन कम हो गया है, इसने या तो अपना टाइम चेंज कर लिया है ना, तो टाइम्स फॉर फीडिंग, डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स, ठीक है, या कोई दूसरा फूड स्टार्ट कर दिया है खाना, जिसकी वजह से उनका कंपटीशन कम हो गया है। तो मैक आर्थर ने देखा इस को एग्जिस्टेंस और रिसोर्स पार्टीशनिंग वाले सिद्धांत को उसने नेचर में होते हुए देखा, जब उसने कुछ वार्बलर्स की स्पीशीज़ की स्टडी करी। 5 स्पीशीज़ थी वार्बलर्स की जो एक ही ट्री पर रहा करती थी और कंपटीशन को अवॉइड करती थी, को एग्जिस्ट करती थी। वार्बलर क्या है? बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स की 5 स्पीशीज़ थी अलग अलग वार्बलर्स की, जो सेम ट्री पर रहा करती थी और अवॉइड करना सीख गई थी कंपटीशन को, और साथ में रहती थी, बिकॉज उनके जो बिहेवियर थे वो डिफरेंस थे और उनका फोरेजिंग एक्टिविटी का जो तरीका था वो अलग था। तो कंपटीशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ अभी पढ़ा है,
अगला पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं, दैट इज़ द पैरासिटिज्म, अगले वीडियो में।